हेलो फ्रेंड्स, आप 10th में एंड 11th फिजिक्स में पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब यहाँ हमको सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को भी R सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी R सिंबल से दिखाते हैं, उसका यूनिट ओम, वो भी ओम ही है, एंड उसको मेजर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर सकते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि R प्रोपोर्शनल L लेंथ होता है एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A होता है एरिया। तो R प्रोपोर्शनल L बाय A लिख सकते हैं हम। प्रोपोर्शनल दूर करें तो R इज इक्वल टू रो L बाय A लिख सकते हैं, जहां रो वो कांस्टेंट है, जिसको हम ग्रीक कांस्टेंट रो, इसको हम सिंपली याद रख सकते हैं R इज इक्वल टू रोला। रोला याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब इसमें से अगर हम रो को सब्जेक्ट बनाए तो रो इज इक्वल टू R, A ऊपर जाएगा एंड L नीचे आएगा, तो रो इज इक्वल टू R A बाय L लिख सकते हैं। जो रो है वो रो का यूनिट अगर हम फाइंड करें तो यहाँ R का यूनिट हमको मालूम है ओमेगा, ओम है। A का हमको एरिया का मालूम है, मीटर स्क्वायर है। लेंथ का मालूम है, मीटर है, तो एक एक मीटर कट हो जाएगा, तो ओम मीटर यूनिट मिलेगा, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो उसका यूनिट आया ओम मीटर। ये ऐसा यूनिट आया, उसका स्मॉल यूनिट हम लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। तो ओम मीटर एंड ओम सेंटीमीटर का रिलेशन हमको मालूम है, 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, उससे उल्टा लिखे तो 0.01 ओम मीटर आएगा। अब हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस को जी सिंबल से दिखाते हैं। कंडक्टेंस की सिंपल डेफिनेशन है कि कंडक्टेंस वो R का इनवर्स है, यानी कि G इज इक्वल टू 1 बाय R। अब R की वैल्यू यहाँ ऊपर वाली जो है वो यहाँ पुट कर देंगे तो रो होगा उसका 1 बाय रो आ जाएगा, रो का 1 बाय रो हो जाएगा, एंड L बाय A का A बाय L आएगा। अब 1 बाय रो के बदले हम नया कॉन्स्टेंट लिख सकते है, वो भी ग्रीक है, जिसको कप्पा बोलते है, K। तो G इज इक्वल टू के ए बाय एल, ये हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सीमेंस से, उसको S सिंबल से दिखा दे, सीमेंस S सिंबल, और दूसरा यूनिट हम इस पर से ओम का उल्टा, ओम का उल्टा यानी ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, और मोहो, ओम इनवर्स और मोहो लिख सकते है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि रो का इनवर्स को हम के कप्पा बोल सकते हैं, रो का इनवर्स को कप्पा बोलेंगे।